इस वीडियो में आप जानेंगे कि डिग्री पार्ट टू का रिजल्ट किस प्रकार से चेक करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। आप चाहे तो किसी भी ब्राउज़र में जाकर के सर्च कर सकते हैं, लेकिन ब्राउज़र में एरर लिखा हुआ नहीं आता है, इसमें आसानी से चेक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको BNMU का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है, BNMU। यहाँ पर देखिए BNMU.ac.in पर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे गूगल में एंटर करने के बाद। तो यहाँ पर हमने सर्च किया, बाद क्या करना है कि स्टूडेंट जोन में जाना है। तो स्टूडेंट जोन में जाइए, जैसे इसको टच करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है, इसको टच कीजिए। करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा जो इस प्रकार से खुलेगा। देखिए नया पेज ओपन हुआ, इस प्रकार से खुला और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिग्री पार्ट टू रिजल्ट 2017। सेलेक्ट कॉलेज नेम, कॉलेज नेम को सेलेक्ट कीजिए आप जिस कॉलेज से हैं। यहाँ पर हम TP कॉलेज का एक रिजल्ट जांच रहे हैं तो हम TP कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के पश्चात फैकल्टी को सेलेक्ट कीजिए आप जिस संकाय के छात्र हो, आर्ट स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम आर्ट स्ट्रीम BA का हमको रिजल्ट चेक करना है तो हम BA को सेलेक्ट करते हैं। उसके पश्चात है कि सेलेक्ट कोर्स, यहाँ पर आप क्या कीजिए कि ऑनर्स सेलेक्ट कर लीजिए। करने के पश्चात यहाँ पर है कि रोल नंबर, रोल नंबर एंटर कीजिए, आपका जो भी रोल नंबर हो रोल नंबर को एंटर कीजिए। यहाँ पर हम एक रोल नंबर एंटर करते हैं, एंटर कर दिए हैं। करने के पश्चात यहाँ पर देखिए रिजल्ट शो लिखा हुआ है, इसको टच कीजिए। यहाँ पर हमने इसको टच किया, करने के पश्चात देखिए रिजल्ट खुल रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार में ही रिजल्ट खुल गया, कभी कभी क्या होता है कि एक बार में रिजल्ट नहीं खुलता है। तो बार बार आप प्रयास लगातार करते रहिए, या उस समय 10 बार भी प्रयास करने के पश्चात रिजल्ट नहीं खुले तो आप क्या कीजिए कि कुछ देर रुक जाइए, उसके बाद पुनः प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से रिजल्ट खुलेगा ही, क्योंकि वेबसाइट उतना अच्छा नहीं है, इस लेकर के ऐसा प्रॉब्लम आते रहता है। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं कि रिजल्ट खुल चुका है। अगर आप लोग इस रिजल्ट को PDF में डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रिंट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट लिखा हुआ है, इसको टच करके आप PDF के रूप में रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अन्य ब्राउज़र से खोलेंगे तो यहाँ पर यह ऑप्शन आएगा भी नहीं भी आएगा, लेकिन क्रोम में यह ऑप्शन आता है। इसको हम टच करके PDF रूप में डाउनलोड करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आप PDF रूप में इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए कागज़ का आकार आ चुका है, तो आप चाहे तो आप अपने मनपसंद अनुसार आकार में रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में है, आप चाहे तो लैंडस्केप एस्केप मोड में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लैंडस्केप मोड हम किए और यहाँ पर PDF डाउनलोड लिखा हुआ है, इसको टच कीजिए। करने के पश्चात देखिए पूर्व लोकन हो रहा है और यहाँ पर है कि प्रिंट करे आ रहा है, तो इसका कोई नाम रख दीजिए आपके मन में। तो यहाँ पर हम मार्कशीट है तो इसलिए मार्क हम लिख देते हैं। पूर्ण कीजिए, जोड़े पर क्लिक कीजिए। तो करने के पश्चात देखिए रिजल्ट जो है PDF के रूप में डाउनलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप BNMU से हर न्यूज़ को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।